चुके हैं और हमारी 1015 किलोमीटर्स की राइड हो गई पूरे दिन की। और ये हमारा रूम है, मैं भी हम लोग रूम में आ गए, थोड़े फ्रेश वगैरह होके अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल। हमें रास्ते में कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, हमने से थोड़ा बहुत छोले भटूरे खाए थे, वो भी वो एक्सप्रेस वे के पास जो रिट्रीट्स होते हैं वहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने लंगर हॉल में। सो यस, चलते हैं, उसके बाद आपको देते हैं रूम टूर। और ये है पीछे वाली जगह जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं, ये है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ पूरा। हम लोग आ गए हैं रूम में वापस, मतलब रूम में नहीं, मैं बाहर खड़ी हूँ रूम के, एंड इधर रूम है हमारा। और अभी हम लोगों ने लंगर शक लिया, बहुत ही यम्मी, उसमें कोफ्ते थे और कोई दाल थी, बहुत ज़्यादा यम्मी लंगर था और हमने लंगर शक लिया है। और अभी मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग को सुबह रूम टूर देंगे। सो ये सभी सोने चलते हैं, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे गाइस, लुक देयर आर लॉट ऑफ मंकीज। सो हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 सितंबर और हम लोग उठ के रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और अभी हम लोग बाहर आ गए, मनवीर नहीं थी रेडी, अभी वो रेडी हो रही है अंदर रूम में। तो मनवीर बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मनवीर को बाहर ले आई हूँ मैं लिफ्ट एरिया में। और इधर ना जो दीवार है उधर ना मंकीज है, मैं क्लिप सेट कर दूँगी। किसी की पूछ भी कटी है। हाँ, किसी की पूछ भी कटी है। और अभी मनवीर को बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, मनवीर बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने। सो लेट्स गो गाइस। अभी ना हम लोग आगे बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, क्या है बिल्डिंग की मतलब, ये फ्लोर देखने जा रहे हैं। और फ्लोर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, ये देखो। इधर भी रूम्स हैं, इधर भी रूम्स, ओ इधर ओपन लॉक भी है, चलो इधर चलते हैं। अच्छा गाइज, अब हम इस एरिया में आ जाते हैं, वो देखो मंकीज वहाँ पे, एंड ये देखो गाइज, ये पूरी जगह है जहाँ पे जो यात्री आते हैं वो सब स्टे कर सकते हैं। हम लोग इस बिल्डिंग में रुके हुए हैं, हमारा ये वाला रूम है, और इधर भी सब पूरे रूम्स हैं, यहाँ भी पूरे रूम्स हैं। और ये नीचे जो एरिया देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ पे रोज़ रात को 4 साहिबजादे मूवी दिखाई जाती है। यहाँ पे संगत बैठ के पूरी 4 साहिबजादे मूवी देखती है। एंड अभी नाम जपा हो रहा है, एंड ये रहा गुरुद्वारा सामने, गुरुद्वारा बालीले साहिब, एंड हेरिटेज। सो गाइज, अभी हम नीचे आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बालीला साहिब में दर्शन करने। हम लोगों ने रात को दर्शन नहीं किए थे, तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। सो यस, चलते हैं। गाइज, दिस इज़ द लंगर हॉल एंड दिस इज़ द बिल्डिंग वेयर वी आर स्टेइंग इन। और ये है बाल लीला साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे के पीछे भी बिल्डिंग्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ भी लोग स्टे करते हैं, एंड एक ये बिल्डिंग है। सो यस गाइज, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस ट्री, ये क्रैनबेरी ट्री, और ये इसकी हिस्ट्री है। सो गाइज, हम लोग लंगर शक के बाहर आ गए हैं गुरुद्वारे से, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे, जो कि मेन गुरुद्वारा है यहाँ का, दरबार साहिब, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और वो हम यहाँ से 400 to 450 इतना किलोमीटर, इतने मीटर दूर है, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग इधर से पैदल जा रहे हैं। सो यस, चलते हैं। तो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं पटना साहिब गुरुद्वारा, ये मेन गुरुद्वारा। जहाँ पे अभी हम लोग हैं ना, पटना साहिब तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे गुरु, जहाँ पे दरबार साहिब बना हुआ है, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ था। ये बर्थ प्लेस है गुरु गोविंद सिंह जी की, बिहार पटना साहिब में। गाइस, वी आर अगेन बैक
रिसेप्शन एरिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस बिल्डिंग का, एंड यहाँ पे सिर्फ वेटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है और वहाँ पे कैफे है। हम लोग कैफे पे आ गए जहाँ जिस बिल्डिंग में हम लोग रुक रहे हैं ना, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कैफे है रिसेप्शन के जस्ट सामने। तो अभी कैफे पे आ गए हम लोग, कुछ ऑर्डर करें। मनरीत का कुछ खाने का मन कर रहा था तो कुछ ऑर्डर कर रही है वो। सो गाइज, एक घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ के लोकल गुरुद्वारे दर्शन करने। सो यस, चलते हैं। तो गाइज, हम लोग पहुँच गए गुरुद्वारा गुरु का बाग। एंड अभी बिहार में ना एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि यहाँ पे ना लंबे लंबे से पेड़ हैं, कुछ पाम टाइप है, पर इनका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कैसे हैं वो। इस टाइप के पेड़ पूरे बिहार में मैंने हर जगह नोटिस किए, बहुत सारे हैं। आराम नाल हर बार कर दी हो। कुआ उसी टाइम का है, गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे कुआ है। पानी खाली करके बस जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने निम दी दातण करके इत्थे गड्डी सी, यह दरख्त उन्ना दी निशानी है। गाइस, जो यहाँ पे पेड़ उगाए ना, ये गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जो पापा थे, 9th गुरु, उन्होंने यहाँ पे दातन करके वो उगा दी थी, तो उसका पेड़ उग गया है, ये उनकी निशानी है। गाइज, ये सर लोहे का कड़ा है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। गाइज, ये जो पेड़ की डाली है इस पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी बैठे थे इसके नीचे, तो ये वो डाली है। Guys, we are having coconut water right now. कुछ भी तो नहीं निकल रहा यार। नहीं, अभी हम लोग आ गए हैं गाय घाट गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ का जोड़ा घर बहुत ज़्यादा अलग लगा मुझे। देखो, ये ईंटों से बना हुआ है, छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं। देखो, यहाँ पे और ज़्यादा छोटे ब्लॉक्स हैं, ये काफ़ी अलग लगा मुझे, क्योंकि ऐसा दिखा नहीं गई ना। स्टील स्टैंड्स हैं, ऐसे वुडन ब्लॉक्स होते हैं जोड़ा घर में, पर इस बार अलग था। गाइज, ये पेड़ है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पापा हैं, उन्होंने घोड़ा बांधा था यहाँ पे अपना। गाइज, ये माता गुजरी जी की चरखी है, और ये जो खिड़की है इसमें से गुरु तेग बहादुर सिंह जी घोड़े के साथ और सेना के साथ निकले थे। और ये जो जगह है यहाँ पे गंगा नदी गौ का रूप लेके 350 साल से ज़्यादा के संत को स्नान कराने आती थी। सो गाइज, वी आर एट गुरुद्वारा हांडी साहिब। तो अभी हम लोग गुरुद्वारा हांडी साहिब आए, एंड यहाँ का व्यू इज टू ब्यूटीफुल। गाइज, यहाँ पे ना हमारे सामने, जस्ट सामने गंगा नदी है, और मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। गाइज, ये देखो यहाँ का व्यू, इट्स टू ब्यूटीफुल। एंड गाइज, मुझे ये झाड़ू हैं जो बोलते हैं, मैं झाड़ू बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कितने ज़्यादा डेंस है ये। टाइटैनिक पोज नहीं, कितना। Continue on to the Gadis elevated road, then keep left onto Naknayak Ganga Park. Yeah.
सो गाइस अभी हम लोगों ने ना पटना साहिब गाड़ी रख दी है, पटना साहिब गुरुद्वारे की पार्किंग में गाड़ी रख दी है और अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा कंगन गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब जा रहे हैं। सो यस चलते हैं, चौकी देख लो। तो गाइस कंगन घाट गुरुद्वारे से थोड़ा ही दूर था, ये गंगा नदी का किनारा था तो हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। सो ये देखो और इतनी जोर से, ये देखो पानी कितने जोर जोर से लग रहा है इधर, बहुत ज़्यादा प्यारा भी है, पूरे में पानी पानी इधर तक देखो, बस थोड़ा सा आगे पेड़ है, बहुत ज़्यादा प्यारे भी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखो गुरुद्वारा बालीला साहिब। और अभी हम लोग दरबार साहब में बैठे हैं, गुरुद्वारा बालीला साहिब के दरबार साहब में बैठे हैं, गुरुद्वारा बालीला साहिब। गाइस मनरीत की चोरी पकड़ी गई, पानी की बॉटल पर। गाइस मनरीत ना मम्मी से बोल कर आई थी कि पानी, हम लोग उधर नाम जप रहे थे तो मनरीत ना बोल कर आई थी हाँ खा देंगे, तो मनरीत बोल कर आई थी कि मैं पानी की बॉटल भरने जा रही हूँ, ठीक है, और इधर ड्रिंकिंग वाटर मतलब भरने के लिए है ना रिसेप्शन के पास, वहीं पे कैफ़े है। तो मनरीत यहाँ पे मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तो मुझे ऐसा लगा कि मनरीत ना पक्की में कैफ़े में गई होगी, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो मैंने मम्मा से पूछा कहीं कहाँ पे, बस मम्मी ने बोला ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं आ गई इधर, देखा तो मनरीत कैफ़े में खड़ी थी और ये ले रही थी मेरे से चोरी के, ज़्यादा पैसे खर्च ना मैं ना मेरा खा पाऊँ। अब इसकी शक्ल देखो देख रहे हो गाइस उसको, मुझे नहीं खिलाना था बस इसलिए मनवीर को लेके अकेली आ गई बॉटल भरने के बाद। गाइस पे इसने किया, मैंने नहीं किया, पे मैंने ही कर दिया। फिर गाइस ये रिसेप्शन एरिया है, इधर ऐसे ही सिटिंग एरिया है, यहाँ पे पूरे पे हम लोग भी बैठे हुए हैं और ये कैफे है, कैफे में काफ़ी कुछ है, यम्मी भी है बहुत कुछ, तो ये ऐसे ही कैफे है। हेलो मनवीर, सोफे, हाँ सोफे देख लो गाइस, गाइस ने तो कभी देखी नहीं है ना। गाइस मनरीत ना बिहारी बोल रही है बहुत टाइम से मेरे साथ ना, मैं कम्युनिकेट बिहारी में कर रही है, बिहारी बोलते हैं हाँ बिहारी में कर रही है, तो आप लोग भी सुनिए उसकी बिहारी। 1 2 3 go नमस्ते, हम बिहार आए हैं, हम आए तो पटना है पर यहाँ बिहार में पटना है, तो हम बोल रहे हैं कि हम हैं तो पंजाबी पर हम बिहारी में बोल रहे हैं क्योंकि हम बिहार आए हैं ना, तो अभी थोड़ी देर गाइस मुझे हंसी आ गई, तो वो भी हंस पड़ी, मैं कितनी मस्त बोल रही है, इसके मुझसे कभी नहीं सुनी ऐसी लैंग्वेज, पहली बार सुन रही हूँ, इतनी मस्त बिहारी बोल रही है, देखना मम्मा को भी सुनाई, मम्मा आ गई। तो द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी 8:45 हुए हैं, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं, एंड गाइस वी आर ट्विनिंग राइट नाउ। आज ना ब्रेकफास्ट में लंगर हॉल में ना वो हाँ वो बनाए, अब फ्रेंच फ्राइज बने हुए हैं, तो मनरीत ना इतनी जल्दी तैयार हो गई फ्रेंच फ्राइज के लालच में कि जल्दी जल्दी अरे उतने जाना है देखिए जल्दी जल्दी फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज खाने, उसके बाद जाएंगे हम दर्शन करने। सही है, लेट्स गो। बहुत से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और मनरीत जा रही है फ्रेंच फ्राइज खाने, मेरा लंगर हॉल गाइस इसे भी खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरा नाम लंगर हॉल में गए, वहाँ पे हमें नहीं मिला ब्रेकफास्ट, तो अभी मनरीत गई है ऊपर गई है मनरीत, वो अंदर से पैसे निकालने एक टू कैफे। मनरीत को ना वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज नहीं मिले हमें क्योंकि वो लंगर जो था ब्रेकफास्ट जो था वो ख़त्म हो गया था, एंड अभी वो लंच स्टार्ट करने वाले थे तो हमें वो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मिले, तो
मरीज बोलते चलो कैफ़े चलते हैं, तो अब कैफ़े में आके हम लोग कुछ खा रहे हैं, एज अ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारा। लेट मी शो यू गाइस। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि हम कैफ़े आ गए, और बुरा भी लगा क्योंकि वो ख़त्म वैसे थे बहुत टेस्टी, मैंने एक मंदिर की प्लेट से खा के देखा। गाइज मैंने तो एक भी टेस्ट नहीं किया, इसने किए हैं जितने भी टेस्ट किए हैं, मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया, मुझे पता भी नहीं भाई कैसे थे वो। ट्रेन देखनी किसी का तो ट्रेन आ सो गाइज आफ्टर ड्राइव ऑफ समथिंग 2 आवर्स हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे। तो अभी हम लोग गुरुद्वारे पहुंच गए हैं गाइज, यहाँ पे सामने व्यू बहुत प्यारा है, पहाड़ है सामने और पहाड़ के ऊपर बादल हैं, और इधर भी ये सीढ़ियाँ, इधर से भी ऊपर चढ़ के जाते हैं, वहाँ पे पत्थर और कोई शायद मंदिर है ऐसा कुछ है, और बादल हैं वो सॉरी पहाड़ हैं, और अभी दिखाते हैं आपको सारा व्यू। सो यस चलते हैं गाइज। जो गुरुद्वारा है ना बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, इसके जो वॉशरूम्स हैं इतने साफ़ है गाइज, मैंने आज तक किसी भी गुरुद्वारे के इतने साफ वॉशरूम्स नहीं देखे मैंने। और जो ये शू हाउस से जुड़ा घर है इसमें भी मतलब साथ में ही हैंड वॉश और वो बेसिन वगैरह दिया, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार है हर चीज़। तो अभी मैं वॉशरूम भी देखा रही, बहुत शानदार वॉशरूम है, तो अभी दर्शन करके हम लोग चलते हैं ऊपर और ऊपर का व्यू दिखाती हूँ आपको। सो लेट्स गो। गाइस बहुत ज्यादा प्यारा व्यू था ऊपर से, अब हम आ गए लंगर शक में, मतलब इतना शानदार व्यू था, हम इतनी ज्यादा फोटोज वगैरह क्लिक करे हमने मन नहीं करा बिल्कुल भी उधर से नजरें हटाने का, बट बहुत ज्यादा प्यारा व्यू था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर शक में, सो लेट्स गो। ਕਰ ਜਾ ਖਾ ਲਾਂ ਕਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸੁਆਦ ਹੈ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਉਂ। ਜਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਪੜੀ ਨਾ ਪਪੜੀ ਟੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਕਿਤਰਾ ਦੀ ਆ। ਓਕੇ 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 ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਇਸ ਖਾ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ। रास्ते में वी टुक अ ब्रेक, बारिश हो रही है, तब से बारिश ही हो रही है, बंद नहीं हुई बिल्कुल भी, एंड अब लोग थोड़ा सा भूख लगने लगी थी हमें, तो रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया है हमने। सो या लेट्स गो। ये गाइस करिए मैं मना करनी पर मैं केक खोला ही नहीं आज बैक इन अ रूम। ओ गाइस हम घर आ गए। ओ गाइस हम कुछ पूरा खा रहे हैं। तो गाइस अभी लगभग 5 बज रहे हैं और मैं और मनवीर आ गए हैं, हम लोग बाहर मम्मा के पास जा रहे हैं अभी, हम लोग मम्मा सेवा कर रही थी एंड हम लोगों ने मैचिंग कर ली, मैंने टी शर्ट बदल ली, मनवी जैसे सेम पहन ली। सो यस मम्मा के पास चलते हैं, देखते हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं लंगर हॉल में, आई गेस सेवा कर रही है, तो यस चलते हैं लेट्स गो। हॉल में सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, समोसे बन रहे हैं अभी। सेवा कर रहे थे एंड मेरे से समोसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, तो मैंने बनाए, थोड़े टेढ़े मेढ़े बने बट मैंने बनाए समोसे, और मनवीर ने सिर्फ एक समोसा बनाया एंड वो उसका बहुत सही बना, मैंने थोड़ी हेल्प की थी पर वो उसका बहुत ज़्यादा सही समोसा बना। और अभी हम लोग जा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे, और उसके लिए भी हम लोग ऑटो हायर कर रहे हैं, तो यस चलते हैं। रा
हमारी एनआरआई बिल्डिंग में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और नीचे कैफे में अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत वहाँ से कैफे से खाने के बाद अभी हम लोग आए लंगर साहिब लंगर छकने, और लंगर छकने के बाद हम लोग चले जाएंगे रूम में। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, यहाँ से निकलना है सुबह, तो अभी हम लोग मतलब रूम में जा रहे हैं और वहाँ पे सो जाएंगे जाके। नहीं गाइस, हम सेवा करने वाले हैं अभी। ये लोग सेवा करेंगे, मैं जाके सो जाऊंगी। ढीठ सुबह जल्दी उठना है, 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 4:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। सो गाइस 5 बजे उठना है। द नेक्स्ट डे एवरीबडी गुड मॉर्निंग, अभी 5:30 बजे और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं जाने के लिए। देखो मनवीर भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और अभी जाने से पहले मैं आपको फटाफट एक रूम टूर दे देती हूँ। मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया, तो चलो रूम टूर दे देती हूँ। सो गाइस ये हमारा रूम है, एंड रूम में एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे हम लोग अपने गीले कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं। एंड उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड वॉशरूम्स हैं, ये मिरर है, एंड इधर दो वॉशरूम्स हैं। उसके बाद हम लोग सीधा अंदर जाएंगे तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ही एक स्टोरेज एरिया है। उसके बाद ये दो बेड्स हैं, यहाँ पे दो डबल बेड है, इधर सोफ़ा है, एंड एक्स्ट्रा गद्दे भी दिए हुए थे, एंड ये मिरर है। सो या दिस इज़ आवर रूम। सो गाइस अभी हम लोग सुबह से निकले हैं और 1 बज गए अभी, और लगभग 600 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है डिस्टेंस। अभी हम लोग ने लंच ब्रेक लिया है एक, तो अभी लंच करते हैं एंड देन फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हमने लंच कर लिया है, तो वी आर चिलिंग राइट नाउ। चिल चिल सो गाइज हमने लंच कर लिया। गाइज और आप क्या कर रहे हो? यमी था बहुत ज़्यादा। अब हम जाने वाले हैं गाड़ी में और ये खाई गया इसको।